हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2, और 2 बजे से मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह का अपने जो कुछ शॉप के कागज थे वो ढूंढने लगी हुई थी, तो उसी में धीरे 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 करते हुए देर होती गई, और मैं ब्लॉग भी नहीं बना सकी। फिर मैं धूप में आ गई थी तो धूप में बैठ गई, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? और आज से स्कूल खुल गए थे, लेकिन मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा है क्योंकि स्कूल खुले हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद इनके एग्जाम्स हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं भेजा है। और एग्जाम भी इनके ऑनलाइन ही होंगे, तो इस करके भी मैंने इसको नहीं भेजा है। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आज धूप खिली हुई है, और ये है मेरा ब्रूटस। ये ब्रूटस देखिए भौंक रहा है। ये इसलिए भौंक रहा है क्योंकि इसको आसपास यहाँ पे सारे जैसे घास है, बेले हैं, इनके बीच में बिल्ली छुपी होती है, और इसको कहाँ से दिख जाती है मुझे समझ नहीं आता। और ये ब्रूटस पूरा दिन बिल्लियां ढूंढता रहता है, इसी को दिखती है बिल्लियां। हम कोशिश भी करते हैं तो भी हमें नहीं दिखती है। आज भी सुबह देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये जगह पर बिल्ली बैठी थी और मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसे नजर आ रही थी, वो भी जब मैं बहुत नजदीक गई। ये देखिए आप, कितना घना झाड़ है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ इधर बैठी हुई थी बिल्ली और मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसे नजर आ रही थी वो बिल्ली, और भौंक भौंक के इसने पूरा घर आसपास मोहल्ला सिर पे उठाया हुआ था। जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने उस बिल्ली को भगाया है। अभी भी ये इसी उसमें है कि कहीं बिल्ली है, इसे दिख रही है, बस उसे भौंकने के लिए ये तैयार खड़ा है। ब्रूटस, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं है यहाँ पे, अब है नहीं, आजकल चली गई अभी। पर आज फिर भी बिल्लियां बहुत कम आई हैं, कल तो बहुत बिल्लियां थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बिल्लियां थी। मेरे ख्याल यहाँ पे किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, तो वो उसके घूमते रहती है वो खाने के इसमें, तो भी बहुत बिल्लियां आती हैं। और ये देखिए, मस्त धूप निकली हुई है आज, यहां से तो चली गई है, पर धूप थी। अब हमारे यहां से भी धूप चली गई है, ये देखिए मैं यहां बैठी हुई थी, धूप चली गई है, तो अब चलते हैं घर की ओर। नहीं, चले घर की ओर, चले चले ब्रूटस, घर में चले, चलो आओ, चलो। ब्रूटस को घर के बाहर निकलने की भी बहुत जल्दी रहती है, और घर के अंदर जाने की भी बहुत जल्दी रहती है। ये देखिए, भाग गया है वो नीचे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये इतने झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर बहुत बिल्लियाँ होती हैं, इसीलिए बेचारा पूरा दिन भौंकता रहता बिल्लियों को। अभी हमने नीचे चलना है, घर में जाना है, हवा चल पड़ी है। चलें ब्रूटस अंदर, चलें, चलो। देखिए मैंने इसको ये वाला जो टॉय है, ये मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, मुर्गी थी ये, और इसमें बड़ी अजीब सी आवाज़ आती थी, और इसने थोड़े दिन खेला, इस मुर्गी की गर्दन इसने तोड़ दी, और अब ना उसमें से आवाज़ आती ना कुछ, पर इसको पता है कि ये मुर्गी है मेरी। ब्रूटस, ब्रूटस, ओ ब्रूटस, मुर्गी कहाँ है, मुर्गी, मुर्गी कहाँ है, कहाँ है मुर्गी? नहीं, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है तो अभी नहीं उठाएगा। जाओ भैया को लेके आओ, जाओ भैया को लेके आओ, जाओ जाओ भैया को बुलाओ, बोलो भैया चलो अंदर आओ, चलो अंदर, चलो भैया जाओ लेके आओ। ये देखिए ऊपर बेटे को ही देख रहा है वो, ये आ रहा है बेटा, उसी को देख रहा है कि वो आए तो फिर मैं और भैया दोनों अंदर जाएंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। वो आ गया भैया भी, अब दोनों आएंगे अंदर।
देखिए धूप से अब हम अंदर आ गए और अब बज गए हैं 2:10 हो गए हैं। लाइट चली गई है और खाना खाना था अभी हमने, तो सोचा था कि सारा खाना गरम करेंगे अभी माइक्रो में, तो लाइट चली गई तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब हमारे आ जाती है यहाँ पर इस बालकनी में धूप आ जाती है, तो थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बालकनी में ये धूप आ गई है और हवा भी चल रही है, लेकिन ग्लेज होने के कारण ज्यादा हमें पता नहीं चलता है हवा का। और ये देखिए इस तरफ देखिए तो सही कितनी हवा चल रही है, कपड़ों के हिलने से आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि बहुत तेज हवा है। पेड़ भी बहुत तेजी से हिल रहे हैं, कैमरे में भगवान जाने कैप्चर हो रहे। देखिए कुछ पुरानी यादें मैं ब्रूटस की डाल रही हूँ, ये जब हम इसको हाइकिंग पे ले जाते थे। ये सोलन की फोटो है मेरे मम्मी के घर की, ये मेरे भाई की बेटी और बेटा घूम रहे हैं जंगल में। ये देखिए ये तीनों बहन भाई और एक और आ रही है, ब्रूटस की शानदार फोटो देखिए घूमते हुए। ये जंगल में बहुत मस्त रहता है। और देखिए आ गई स्नोफॉल की फोटोज, ये पिछले साल की हैं, इस साल भी होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर और सारी डालूंगी। ये फोटोज, ये सारी स्नोफॉल जो पिछली बार हुई थी ये वो फोटोज हैं। ये देखिए कितनी कितनी बर्फ है, ये टंकियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। और ये बचपन की ब्रूटस की फोटो है, ये पहली बार जब ब्रूटस ने अपने दोनों कान खड़े किए थे तब की है। ये ब्रूटस हमसे छुपके बैठा है अलमारी के पीछे। ओ कितना पारू है छोटू बेबी। इसी छोटी छोटी फोटोज के साथ मैं आज वीडियो का एंड करती हूँ, कल मिलेंगे फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।